इनका नाम श्रीमती अमृत ठाकुर। कब पॉजिटिव हुए थे ये? 6-7 तारीख को हुए थे। यहाँ भर्ती कब हुए? यहाँ 8 तारीख को भर्ती हुए थे। आज इनका श्रीमती अमृत ठाकुर इनका आज डिस्चार्ज है, कैसा हुआ इलाज वगैरह? हमारे माता जी से हमारी लगभग लगातार बात होती थी, बहुत अच्छा फील किए, आपकी बहुत अच्छा सहयोग रहा, जिसके कारण से आज हमारे माता जी कोरोना को हरा कर आज अपने मूल स्थान गंतव्य पुरानी बस्ती रायपुर की ओर रवाना हो रहे हैं। हम बड़े प्रसन्न हैं कि आप लोगों का सबका रात दिन इतनी मेहनत कर यहाँ कोविड मरीजों की प्राण की रक्षा कर रहे हैं और अपनी आहुति दे रहे हैं। यहाँ खाना वगैरह समय पर मिलता था? बहुत बढ़िया रहा है, हमारी माता जी से लगातार बात होती थी, किसी प्रकार की कोई उसमें कमी महसूस नहीं किया। आज इसका परिणाम है कि हम आपके सामने में हम इनको शानदार ये दवाइयाँ अपना मल्टीविटामिन का सिरप है और अपना कैल्शियम का टेबलेट है, और फीवर आने के अगर बीमार वगैरह होता है या फीवर आता है तभी आपको कैल्शियम टेबलेट देना है। विटामिन की उनको दवाइयों को आपको देना है, और कोई भी अगर समस्या हो तो किसी भी नज़दीकी अस्पताल या 104 नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम सबकी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हैं कि अम्मा बिल्कुल स्वस्थ रहें और आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 अच्छा सर, ये अम्मा ना अच्छा। और एक खास बात यह है कि आज हमारी माता जी को उनके सुपुत्र छोटे सुपुत्र के नई गाड़ी में पहले बार बैठ के जा रही हैं, और वो भी विशेष उनकी लगाव नंबर 1111 पे जा रही है। हाँ वो अभी आप माध्यम दिखाते हैं। जी आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही हम सबकी कामना। नमस्ते, मैं डॉक्टर राहुल अग्रवाल पुंडर कोविड अस्पताल से बोल रहा हूँ। ये हमारा स्टाफ है, सुरेखा जी हमारे फार्मासिस्ट, दुलेश्वरी जी हमारी स्टाफ नर्स। पुंडर स्टाफ की ओर से मैं सबसे ये अपील करना चाहता हूँ, कृपया कोविड नियमों का पालन कीजिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए ताकि इस अस्पताल या किसी भी अस्पताल में आपको भर्ती ना होना पड़े। आप सब जानते हैं कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्षेत्र में, आप अगर सावधानी रखेंगे और आप नियमों का पालन करेंगे तो कोविड को हराने में हम सब कामयाब होंगे, और जब सब नियमों का पालन करेंगे तो केसेस अपने आप कम होंगे। वैक्सीन दवा या किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी कोविड नियमों का पालन करना है, मास्क सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, इसका बिल्कुल पालन कीजिए। हम सब की ओर से आपकी आपसे अपील है कि नियमों का पालन कीजिए, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।